स्टेशन हो या फिर मेट्रो, हमेशा ट्रैक से कुछ दूरी पर खड़े रहने की हिदायत दी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है जिस पर हम आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। तेज रफ्तार से आने जाने वाली ट्रेन से लोग भले ही दूरी बनाकर खड़े रहें, लेकिन अगर ट्रेन करीब आ जाए और कोई धक्का दे दे तो शायद ही उसकी जान बच पाए। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स ने तेज रफ्तार से आने वाली ट्रेन के सामने एक महिला को जोरदार धक्का दे दिया। घटना शुक्रवार शाम बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के रोजियर मेट्रो स्टेशन पर हुई, जहां एक शख्स ने एक महिला को जानबूझकर आने वाली ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, जो चौंकाने वाले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। गनीमत रही कि समय से पहले ही ट्रेन रुकने से महिला बिना किसी चोट के बचने में सफल रही। यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाले फुटेज में दिखाया गया है कि शख्स ट्रेन के सामने महिला को धक्का देने से पहले प्लेटफॉर्म पर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। मेट्रो के पास आते ही उसे आगे दौड़ते हुए और महिला को पटरियों पर धकेलते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। मेट्रो ट्रेन ड्राइवर ने तुरंत अपनी एक्टिविटी दिखाई और इमरजेंसी ब्रेक खींच लिया, जिससे महिला की जान बच गई। घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे जल्द ही घर लौटने की अनुमति दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।